हेलो, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सेव इज जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। होम साइंस का प्रैक्टिस सेट है। कुछ यहाँ पे 10-20 क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी के माध्यम के लिए जो पेपर होने वाला बीपीएससी का पीजीटी का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर वीडियो में शुरू से तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बचत का अर्थ। बचत का अर्थ क्या है? इसमें जो बचत का अर्थ बताता है कि बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस व्यय। इसका जो सूत्र है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। जो हमारा आय आता है उसमें से जो हम व्यय करते हैं, वो हमारे व्यय करने के बाद जो पैसे कुछ बचते हैं वो हमारे बचत के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उद्योगपति अपनी आय का एक भाग मशीनों पर व्यय करता है तो क्या कहलाता है? तो विनियोग व्यय कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, जीवन बीमा कब अस्तित्व में आया था? तो जीवन बीमा 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व कथन किसका है? तो जीवन बीमा का है। जीवन बीमा का यह कथन बताया गया है कि आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल जीवन पॉलिसी कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो 10 वर्ष के लिए उपयुक्त माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंको शब्द किससे बना है? तो इटालियन शब्द से मिलकर बैंको शब्द बना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जूट की खेती की जाती है, तो जूट की खेती किस महीने में की जाती है? फरवरी और मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग की प्रक्रिया किस पर नहीं होती है? तो रेटिंग की प्रक्रिया किस पर नहीं की जाती है? तो रेयन पर इसकी रेटिंग की प्रक्रिया होती है, जूट पर भी होती है, लिनन पर भी होती है, कपास पर नहीं होती। यहाँ पर है कि नहीं होती है। आगे क्वेश्चन है कि इजरा केंद्र कहाँ है? तो इजरा केंद्र आपका बांग्लादेश में है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, इजरा आपका केंद्र कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा, वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा क्या है? लीलन है। आगे क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा क्या है? पटसन। जो जूट है इसको पटसन के नाम से जाना जाता है, कमज़ोर रेशा है। जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो 2.5 से 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशे पर ब्लीचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है? तो ब्लीचिंग की प्रक्रिया किस पे नहीं होती? तो जूट पे नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का अर्थ क्या है? तो रेशम पालन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को हरने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो सिल्क जो है ये मन को हरने वाला वस्त्र कहलाता है। आगे क्वेश्चन, सिल्क में जो मुख्य प्रोटीन होता है तो फाइब्रिन प्रोटीन होती है। सेरिसिन ये गोंद होता है। 4% उनमें सल्फर पाया जाता है। क्रिएटिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है। आगे चलते हिस्सा है तो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य हस्तांतरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? तो सामाजिक पक्ष सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की अवस्था में को क्या कहा गया है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर ने कहा है। आगे क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक होती है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो व्यक्तित्व अध्ययन कहलाती है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकाश सोच समझ कौशल में वृद्धि क्या है? यह विकास में वृद्धि कहलाता है। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि वृद्धि पहले होता है कि विकास, तो पहले विकास होता है फिर बाद में वृद्धि होती है। आगे क्वेश्चन में है कि आगे क्वेश्चन बताया गया, मुख गुहा एक छोटी में खुलती है जो वायु भोजन दोनों में ही का ही पथ है, तो ग्रसनी में खुलती है। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ नहीं होती? तो ग्रास नली में। ओसोफेगस जो है उसमें क्या होता है कि उसमें पाचन क्रिया नहीं होती, मुखगुहा में होता है, मासा और छोटी आंत में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलस्क ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवारों में स्थितिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, क्या कहलाता है? तो क्रमानुकुंचन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि अमावस्या अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा है? तो जी के आकार दिखाई देता है। कौन सा भाग छोटी आंत में सबसे नज़दीक है? तो पाइलोरिक जो भाग है वो सबसे नज़दीक पाया जाता है। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो छोटी आंत से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।